People. So if you all are doing great, show me thumbs up. Right. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Okay, Rishna is smiling, huh? With two thumbs. Wow, that's nice. So how did you all vacations go? Okay, Archit also two thumbs up. Did you enjoy your Dussehra break? Yes, it was much needed. And I could not talk by itself. Okay. Archit, somebody else's hand is also there, huh? Okay, so anyone would like to share? What did you do for your break? Somebody did something different, something interesting from your routine otherwise? Anyone who would like to share? Okay, Priyanshi wants to share. Priyanshi, go ahead. Yes, ma'am. So what did you do? Yes, ma'am. क्या किया आपने दशहरा ब्रेक में? मैम हम घूमने गए oh, अपने you... नानी के घर और मॉल भी गए अपने ब्रदर के साथ. Okay. So you were happy? Yes, ma'am. That's nice. Navid. मैम हम ना कनानी हाउस गए थे. हमने बहुत एंजॉय की हमने हमने अपने कजिन के साथ. हाँ, क्या किया? शरारते की अपने कजिन के साथ आपने? हाँ यस मैम. शरारते एंजॉय होता है? ज्यादा परेशान तो नहीं किया सबको या हंसाने वाली शरारते की? मैम हंसाने वाली. अरे दैट वाज सो गुड ऑफ यू. थोड़ी सी नॉटी वाली पे कोई बात नहीं. मैम 13 तारीख को हमारा बर्थडे भी था और मेरी बेस्ट फ्रेंड शरोन भी आई थी. ओके, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे. एंड मैम हमने पेंटिंग भी की थी. ओके, सो डिड यू एंजॉय? यस. रिश्ता मैम हम ग्रैंड माँ के गए थे. हम दशहरा के ना मेला देखने गए थे. मैम बहुत एंजॉय करा अपनी स्मॉल सिस्टर के साथ. वाओ दैट्स नाइस. सो डिड यू लाइक द मेला एज वेल? पहले जैसा रश था या कम था? कोविड से पहले जैसा ही रश था या कम था रश? मैम नीड था. ओके बाय. Yes. मैम हम 10 अक्टूबर को हमारा बर्थडे था तो हम मॉल गए थे और मॉल गए थे. हम अपनी बुआ के गए थे. हम अपने नानी के गए थे. बहुत सारे मॉल ने बहुत अच्छी अच्छी चीजें करी. Related happy birthday. यस मैम. मैम हमने मॉल में झूले भी झूले थे. ऑलराइट नाइस. केशव मैम आई डिड नॉट सेलिब्रेट द दशहरा बिकॉज आई हैव टू अटेंड टू रिंग सेरेमनीज. ओके इन वन डे. ओह सो यू वर ऑन द रन. हाँ आप इधर भाग रहे हो फिर उधर भाग रहे हो. ओके सो इट मस्ट हैव बीन अ टायरिंग डे फॉर यू. हां यस बट द फूड वाज अमेजिंग. ओह द फूड वाज अमेजिंग. सो सब रिलैक्स हो गया. हां द फूड वाज सो गुड. यस दैट्स नाइस. आद्या मैम हमने अपने गली में दशहरा बनाया था. ओके सो व्हाट डिड यू डू? मैम हमने प्रिंटर से वो रावण का वो प्रिंट किया था और उसकी कटिंग करके तसले में रख के उसके पटाखे फूटे थे फोड़े थे. ओके सो डिड यू एंजॉय मेकिंग द रावण एंड देन बर्स्टिंग द क्रैकर्स? ओके दैट्स नाइस. प्रीतिका मैम वी गो टू पैसिफिक मॉल. ओके So what did you do there then? Ma'am,
बहुत सारी चीजें खरीदी हमने और बहुत अच्छा लगा वहां पे. मैंने कार चलाई थी. ओके नाइस. और वहां पर वो भी तो है ना किड्स का सेक्शन देयर एंड यू हैव टू राइट. यस मैम. राइट. आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ इट. सो डिड यू एंजॉय देयर? यस मैम. ओके दैट्स नाइस. हर्ष मैम, हमने अपने हाथों से खुद रावण बनाया था और रात में हमने जलाया था. घर ही हमने अच्छा अच्छा खाना खाया था. बाहर इसलिए क्यों नहीं गए क्योंकि बाहर कोरोना हो रहा था. Okay. It's good you still enjoyed at your home. The enjoyment is more important than the place. Okay, Janisha. मैम, हम तो दशहरा पे अपने चाचा की रिंग सालीमारी में गए थे. ओके फाइन. सो पीपल डिड यू नोटिस वन थिंग? दशहरा ब्रेक में कोई कहीं पर जा रहा है, कोई कैसे सेलिब्रेट कर रहा है, पर सब एक ही काम कर रहे हो. डिड यू रियलाइज व्हाट? मेंटेनिंग योर सोशल हेल्थ. हाँ, सब अपने रिलेशंस को, बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो तो अपने सोशल हेल्थ पे वर्क कर रहे हो. यस और नो? Yes. Yes. So we all are maintaining our social health. So see, जो हम पढ़ रहे हैं हम वही implement कर रहे हैं. That's an amazing thing to see. Okay. So do you remember last time हमने social health में dining etiquettes करने start किए थे? First class में हमने how to lay a table वो सीखा था. Second में हमने ये सीखा था कि जब हम किसी के घर जाते हैं या कोई guest हमारे घर आता है तो हमें क्या etiquettes follow करने चाहिए. Now today we move on to the third part of it. That's restaurant. ठीक है, जब आप किसी restaurant में जाते हो तो वहाँ पर क्या dining etiquettes follow करने चाहिए हमें? So anyone who would like to guess, कोई guess करना चाहेगा क्या dining etiquettes हमें follow करने चाहिए in restaurant? Okay, Keshav. Yes, ma'am. वहाँ पे हमें manners के साथ खाना चाहिए. और जब हम queue करते हैं तो आवाज बाहर नहीं जानी चाहिए क्योंकि जो लोग वहाँ पे और बैठे होते हैं उनको भी डिस्टरबेंस होता है. और हमें वहाँ पे हम जो भी खाएं उसे हमें ऐसे जल्दी जल्दी घुसना नहीं चाहिए. हमें स्लोली खाना चाहिए. राइट. सो हमें स्लोली खाना चाहिए. वेरी ट्रू. और हमें माउथ को while chewing the food our mouth should be closed. Very true. Thank you, Keshav. All right, Pritika. मैम, हमें कभी भी जल्दी में अपना खाना टेबल पे नहीं गिराना चाहिए. Okay. So we should be careful. हमें आराम आराम से खाना चाहिए. हमारे हाथ से हमारा पानी गिर सकता है, वहां पे गीली हो जाएगी टेबल. राइट. सो हमें इट मींस केयरफुल होना चाहिए. राइट. यस मैम. आर यू ओके? ज़ैनब. मैम और आपने ये भी बताया था कि जब भी हम रेस्टोरेंट जाते हैं तो वहाँ पे BMW वाला भी बताया था आपने. वो बेटा रेस्टोरेंट का नहीं बताया था मैंने, वो मैंने टेबल लेआउट करना बताया था. जब आपके गेस्ट आता है टेबल ले करने का, वो आपके घर पर होता है. जब आपके घर कोई गेस्ट आ रहा है तो आप कैसे टेबल लेआउट करते हैं. यस मैम. यस राइट. अभी हम रेस्टोरेंट का सिर्फ प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि क्या होगा. ओके सो वी आर गेसिंग. Keshav, you wanted to say something? Yes. Ma'am, I am questioning, are you sick? Sorry? Ma'am, are you ill or sick? No, I am not sick, but I am only sneezing a bit since yesterday because of the weather change. Yes. Yeah. I listened to that sound and I questioned that. Yeah, the sneeze did not come out. It was just the nose. I have a little runny nose. That's it. Okay. And that happens with every weather change with me. Okay, Rushta, thank you for asking, Keshav. Ma'am, जब भी हम restaurant में जाते हैं, जो वहाँ पे dining table होती है, ma'am, उस पे हमें हाथ ऐसे नहीं करना चाहिए. This is bad manners. हमें ऐसे ऐसे करना नहीं चाहिए. Table को बजाना नहीं चाहिए. और मैम, हमें कभी अपना खाना जितना हम खा सके उतना ही ऑर्डर करना चाहिए. ज्यादा ऑर्डर करना नहीं चाहिए. अगर वो ना खा पाए तो वो खाना वेस्ट होता है.
सो ट्रू. सो फर्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट एज शी सेड कि हमें टेबल बैंग नहीं करना, हम खाने का वेट कर रहे हो या बात कर रहे हो, इट लुक्स वेरी बैड, दैट्स वेरी स्मॉल स्मॉल बाइट खाना चाहिए, इतना ज्यादा बड़ा बाइट नहीं खाना चाहिए. मैम हमारा भी अपना रेस्टोरेंट है. ओके सो बाय व्हाट नेम इज इट? मैम नजीर फूड. वेयर इज इट? मैम चांदबाग गली में. मैम चांदबाग का जो पड़ता है एरिया, करावल नगर की पुलिया पड़ती है. I don't know Chandbagh area also. Ma'am, Bhajanpura ke saamne. It's East Delhi. Yes, ma'am. Yehi hai, pass mein. Okay. Bhajanpura ke pass. Okay, because I haven't been to that area, so I don't know about it. Okay, ma'am. Thank you. Right. All right, Ajay. मैम जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो प्लेट को हमें अच्छे से, जो हमारे पास टिश्यू पेपर होता है उसे हमें साफ करना चाहिए क्योंकि उस पर जम्स होते हैं. फिर जब हमारे आपने म्यूट कर दिया आज हम अपने आप को किए क्योंकि ज्यादा ऑर्डर नहीं करवाना चाहिए इससे वो खाना वेस्ट ना हो. वेरी ट्रू, खाना वेस्ट नहीं होना चाहिए. और फर्स्ट पॉइंट मेरे को ना हाफ समझ आया था, एक बार आप दोबारा रिपीट कर दीजिए. जो वो प्लेट होते हैं, प्लेट को ना टिश्यू पेपर से हमें साफ करना चाहिए क्योंकि उस पर जर्म्स होते हैं. Okay, the plate we clean with the tissue paper. But if you notice one thing, when you go to a good restaurant, no, generally उनके कटलरी क्लीन होती है. If you have noticed. And now to these days, they are any which way serving in disposables. Yeah. Okay, Navid. हमको स्लो स्लो स्लोली स्लोली टॉक करनी चाहिए, लाउडली बोलना चाहिए, फिर आपने ऑर्डर का इंतजार करना चाहिए. और वो जो लोग खाना खा रहे होते हैं उनको उनकी तरफ देखना नहीं चाहिए. क्यों नहीं देखना चाहिए? घूरना नहीं चाहिए. हाँ घूरना नहीं चाहिए, बट हम वैसे जनरल तो देख सकते हैं ना, हम ऐसे हॉर्स की तरह तो नहीं बैठ जाएंगे, राइट? सो हम इधर उधर तो देख सकते हैं, दैट्स ओके. डेफिनेटली घूरना नहीं चाहिए, वेरी ट्रू, बिकॉज इट लुक्स बैड एंड द पर्सन विल गेट कॉन्शियस अबाउट द फैक्ट. ओके यश. यस मैम, हम भी बताना चाहते. ओके ओके मैम, जब भी हम कोई रेस्टोरेंट में जाते हैं हमारे को नैपकिन लगा के खाना चाहिए जिससे हमारे कपड़ों पर खाना ना गिरे. और मैम सेकंड है कि जब भी हमको रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हमारे को फोन पे बात करते करते खाना नहीं खाना चाहिए, बैड मैनर्स. वेरी ट्रू, हमें फोन पे बात करते करते नहीं खाना चाहिए. बट वन इम्पोर्टेंट पॉइंट मैम, अगर कोई इम्पोर्टेंट फोन आया तो उसको अगर आपने एक चीज बोली यश कि नैपकिन हमें लगाकर खाना चाहिए कि खाना गिरे नहीं. द पर्पस ऑफ नैपकिन इज क्लीनिंग. तो हम उसे नेक पर तो नहीं लगा सकते खाना ना गिरे, हम तो लैप पे रखते हैं. सो हमें केयरफुली खाना चाहिए. ओके या ओके प्रियांशी. यस मैम. या यस मैम, हम मॉल में गए थे, वहाँ पे रेस्टोरेंट में हमने टेबल मैनर्स के साथ खाया था. तो हमने सबसे पहले हमने आवाज नहीं करी खाना खाने समय, और हमने फोन नहीं देखा खाना खाते समय. That's nice. So no sounds you took out. That's amazing. And you did not even see the phone. You were paying attention to the food, which is amazing. Okay, Kumkum. Yes, ma'am. You're raising hand. You want to say something? Ma'am, जब भी हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हमें आवाज करके खाना नहीं खाना चाहिए और मोबाइल नहीं देखना चाहिए. All right. Now there are certain more behaviors. आपने काफी behaviors तो बहुत सही से बताए. थोड़े से और behaviors जो रह गए हैं ना, let's learn those. Okay? And how we will do that? We'll do that by playing a, doing a small activity. अब उसमें क्या करेंगे, I'll flash my screen और उस पर ना बिहेवियर लिखा हुआ है.
in one word or in two words at the most. उसके बाद we'll discuss कि हमें वो behavior follow करना चाहिए या नहीं and what is the correct behavior अगर वो wrong है तो ठीक है. अब let's say, can you all see the screen? Just show me a thumbs up if the screen is visible. The word written is spoon fells. अगर आपको दिख रहा है, okay. Zainab has given a thumbs up. All right. Arjun has given. Priyanshi, Rushta. Right. Okay. Right. So now the first thing is, let's say आप restaurant में खाना खा रहे थे, ठीक है? खाते खाते आपके हाथ से spoon गिर गया या fork गिर गया. तो अब आप क्या करो? What will you do? Okay, Ali. Ali, please unmute. Yes, ma'am. Yeah, what will you do agar spoon gir jata hai to? Ma'am, hame dusra spoon order karna chahiye. Hame dusra spoon manga lena chahiye. To wo jo niche wala spoon hai, use aap uthaoge? Yes, ma'am, hame usko utha ke dho dena chahiye. पर अगर अगर आप तो रेस्टोरेंट में हो तो आप धोओगे कैसे? माय फर्स्ट थिंग क्वेश्चन इज दैट. मैम हमें वेटर से कहना चाहिए. और दूसरा, आप अगर उठाने जाओगे, लेट्स से वो किसी के फीट के पास है या दूसरी टेबल पर चला गया, इससे पहले उसके अंदर जम्स होंगे, तो इसलिए हमें टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करने देना चाहिए. पर हम गिरे हुए स्पून से क्यों खाएंगे? मैम हम उससे नहीं खाएंगे, हमें उठा के जब हमें धोना होगा तो वेटर को हम टिश्यू पेपर टिश्यू पेपर से पकड़ के देंगे. पर हम उठाएंगे कैसे? अगर वो दूसरे टेबल पर गिर गया, वहां तो कोई और बैठा है, कितना डिस्टर्बिंग हो जाएगा. या अगर हम टेबल के नीचे भी ढूंढने जाएं तो जो और लोग हमारे साथ हैं उनके लिए भी तो डिस्टर्बिंग हो जाएगा ना. यस मैम, मैम इसके लिए हमें वेटर से कहना चाहिए. राइट, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें कभी भी स्पून फोक उठाना नहीं चाहिए. ओके, what we can do is we can call the waiter and we can say, sorry sir, my spoon या my fork has fallen down, can you please get me another one. तो जब आपने उनको sorry बोल दिया, you have apologized for your mistake and you have asked for the new one. Because अब आप table के नीचे जाके तो नहीं ढूंढोगे वो कहाँ गिर गया, और सब लोग आपके साथ बैठे हैं वो इतना uncomfortable होंगे क्योंकि किसी के feet के पास है या दो लोगों के feet में चला गया जो आपसे दूर है. So it will look so embarrassing. It will be so embarrassing for the other person. Similarly, अगर वो किसी और के टेबल पे चला गया, क्योंकि कई बार होता है ना, the next table is little closer to you. So it can be embarrassing for them as well. तो इसलिए हम कभी भी कुछ भी नीचे गिरता है रेस्टोरेंट में हम नहीं उठाते, हम अपोलोजाइज कर देते हैं वेटर को that sorry, my spoon has fallen down or my fork has fallen down. Can you please get me another one? Okay? So remember the magical words. प्लीज, मे आई, थैंक यू. तो हमने यहाँ पर एक मैजिकल वर्ड यूज किया ना, कैन यू प्लीज गेट मी अनदर स्पून. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज एल्बो. वन ऑफ द पर्सन इन द ओवर हियर हैज शेयर्ड कि हमें टेबल को ऐसे बैंग नहीं करना चाहिए, राइट? बट अब हमें अपने एल्बोस कहाँ रखने चाहिए व्हाइल वी आर इन द रेस्टोरेंट और हम खाने का जब वेट कर रहे हैं या जब हम खाना खाते हुए बात कर रहे हैं, तो हमारे एल्बोस कहाँ होने चाहिए? Anyone who would like to guess this? Arif, please unmute. Arif Saraswat, please unmute. Yes, ma'am. Yeah, आपके एल्बोस कहाँ होने चाहिए जब आप खाने का वेट कर रहे हो या खाते टाइम बात कर रहे हो? मैम हमारे एल्बोज बताइए. आरव स्पीक. मैम हमारे एल्बोज टेबल पे होने चाहिए. टेबल पर ऐसे होने चाहिए, ऐसा अच्छा लगेगा अगर मैं ऐसे बैठूंगी टेबल पे? नो मैम. नो, तो इसका मतलब टेबल पे नहीं होने चाहिए. फिर कैसे होने चाहिए बताओ? मैम मैं अपने एल्बोज अपने ऊपर रखने चाहिए, अपने लैप पे रखने चाहिए. ओके, राइट. सो वॉट ही सेड इज करेक्ट.
हमें लैप पर, या तो आप अपने हैंड्स ऐसे लैप पर रख सकते हो या फिर आप क्रॉस आर्म करके टेबल पे भी आर्म रख सकते हो, बट आप ऐसे एल्बोज को पॉइंट कर नहीं रखेंगे कभी भी टेबल पे, डजंट लुक नाइस. ओके, नाउ अनदर बिहेवियर इज फिनिश्ड ईटिंग. अब लेट्स से आपने खाना खा लिया, अब वेटर को कैसे बताओगे मैं हमारा खाना खा लिया, हमने प्लीज क्लियर इट और क्लियर द टेबल, कैसे बताओगे? ओके ज़ैनब. मैम हम ऐसे करेंगे, एक्सक्यूज मी वेटर, आई हैव फिनिश्ड माय फूड. ओके, बट लेट्स से आपने देखा होगा कि जब भी आप जिस वेटर से खाना मंगाते हो वो सिर्फ आपके टेबल पे तो नहीं होते, वो और टेबल्स पे भी जा रहे होते हैं ना, खाना किसी का सर्व कर रहे हैं, किसी के प्लेट्स क्लियर कर रहे हैं, टेबल क्लीन कर रहे हैं, सो दे आर नॉट देयर अराउंड. तो आप कैसे उन्हें बोलोगे एक्सक्यूज मी? अगर आप शाउट करोगे एक्सक्यूज मी, हेलो प्लीज कम हियर, कितना बैड लगेगा. क्या कर सकते हैं और सोचो, बिकॉज यू कांट स्क्रीम इन द रेस्टोरेंट. नो, इट इज नॉट कि वेटर आपके साथ ही खड़ा है एकदम, ऐसा सिचुएशन तो नहीं होगा. सो देन व्हाट कैन बी डन? अर्चित, वुड यू गेस? मैम, हाँ जी मैम, रेस्टोरेंट में बहुत सारे वेटर होते हैं, तो हमें बुलाना चाहिए. कैसे बुलाना चाहिए? कैसे बुलाओगे? हाँ हेलो भैया, बुलाओगे? नो मैम. फिर मैम जो वेटर वहां पे घूम रहा होगा उसको एक्सक्यूज मी वेटर. अब मैं आपको बोलूं एक्सक्यूज मी एक्स वाई जेड थिंग, आपको अच्छा लगेगा? नो मैम. राइट, क्योंकि वो हो सकता है किसी और के टेबल पे जा रहे हो, है ना? सो यू नो व्हाट द वे इज, आप जब खाना खा लेते हो तो जिस तरीके से आप अपनी कटलरी प्लेट में रखते हो ना, वेटर वो देखकर आइडेंटिफाई कर लेता है कि आपने खाना खा लिया है या नहीं खाया. ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ आई जस्ट शेयर दिस विद यू. हम फोक नाइफ स्पून ये चीजें यूज करते हैं, राइट? तो नाइफ आपके राइट हैंड में होती है, फोक या स्पून आपके लेफ्ट हैंड में होता है, राइट? व्हाइल ईटिंग, तो अगर आपने अपने फोक और नाइफ को या फोक या फिर स्पून और नाइफ को ऐसे स्लांट तरीके से रखा, ठीक है, स्लांट फॉर्म में रखा या एक्स बना के रखा, तो इसका मतलब आप अभी खा रहे हो, आपका खाना फिनिश नहीं हुआ. अगर कई बार आपने नोटिस किया होगा कि जब आपको खाना खा रहे थे आप, वो प्लेट मतलब अब आप उसमें और सर्विंग नहीं ले सकते, वो सॉइल हो गया पूरा, तो आपको दूसरी प्लेट चाहिए. सो व्हेन यू नीड दैट सेकंड प्लेट, तब आप अपनी कटलरी कैसे रखते हो? आप नाइफ को स्लिप पोजिशन में रखते हो और अपनी फोक को स्टैंड पोजिशन. सो आप वट हॉरिजॉन्टली आप अपनी ये नाइफ को रख रहे हो और वर्टिकली आप फोक या स्पून को रखते हो, तो इससे वेटर को इंडिकेशन हो जाता है कि आपको एक न्यू प्लेट चाहिए. ओके, और जब हमारा खाना फिनिश हो जाता है तब हम फोक और नाइफ को दोनों को वर्टिकली या स्टैंड पोजिशन में रख देते हैं, सो इससे वेटर को इंडिकेशन हो जाता है कि आपका खाना फिनिश हो गया है. अब वेटर कहीं पे भी होगा वो देख सकता है ना आपकी प्लेट की, आपने कटलरी कैसे प्लेस कर रखी है, उससे दिन में वे आउट, तो उसमें फिर आपको हेलो हाय ऐसे करके किसी को एड्रेस भी नहीं करना पड़ता. ओके, सो जस्ट बाय कीपिंग द कटलरी इन अ वे यू कैन सेंड योर मैसेज अक्रॉस. सो व्हाट्स द वे? फर्स्ट वे इज इफ यू आर पॉजिंग, अगर आप रुके हो तो या तो आप अपनी कटलरी को ऐसे स्लांट पोजिशन में खड़ा कर दीजिए या एक्स बना दीजिए. अगर आपको न्यू प्लेट चाहिए तो आप नाइफ को हॉरिजॉन्टली या स्लिप पोजिशन में रखिए और फोक को वर्टिकली या फिर स्टैंड पोजिशन में रख दीजिए, और जब फिनिश हो जाता है तो दोनों को स्टैंड पोजिशन में या वर्टिकली रख सकते हैं. ओके, सो दैट्स द इंडिकेशन फॉर द वेटर. नाउ आफ्टर दिस फिंगर बोल, एनीवन नोज व्हाट इज द फिंगर बोल? फिंगर बोल क्या क्या होता है? एनीवन हु नोज इट और हु वुड लाइक टू गेस?
ओके रुष्टा मैम एक बाउल होता है उसमें वाटर होता है right. और मैम लेमन होता है उसमें फिंगर्स को होते हैं वेरी ट्रू करके देखते हैं वेरी ट्रू सो फिंगर बोल एक बोल होता है जिसमें ल्यूक वार्म वाटर होता है ल्यूक वार्म इज बहुत हल्का सा गर्म पानी ठीक है और उसमें एक लेमन का स्लाइस होता है सो इट इज नॉट लेमन सूप द पर्पस इज टू क्लीन योर हैंड्स खाना खाने के बाद जब वेटर्स आपके टेबल को क्लियर कर देते हैं डिशेस ले जाते हैं तो वो एंड में फिंगर बोल लाते हैं फॉर यू टू वॉश योर हैंड्स सो यू यूज दैट लेमन एंड यू रब योर टिप्स एंड नेल्स विद इट सो दैट एनीथिंग दैट्स देयर गेट्स क्लीन्ड ऑफ एंड देन यू कैन वाइप इट इन वॉटर एंड यूज द नैपकिन फॉर अगेन वाइपिंग योर वेट हैंड्स ओके सो इट्स नॉट लेमन सूप इट्स फिंगर बोल लास्टली मेकिंग फेसेस How many of you have done this? पापा वही रेस्टोरेंट में मम्मा पापा ले गए वही खाना ऑर्डर करते हैं हाँ कोई और खाना नहीं भेजते How do you feel? Feel sad, right? So how many of you have made faces? Raise your hand. ऐसे वाले faces कौन बनाता है Tell me honestly. Okay. Right. It's okay. We all do it. But we are now grown up to understand one thing. See, your parents are taking you to a restaurant, which is good. हो सकता है वहाँ पे वो dish सबसे yummy होती हो, तभी वो सिर्फ वही मंगाते हैं. या फिर they are concerned about your health, right? That even if you are eating out, you should get healthy meal, right? So they are concerned about you, and which is why they've chosen a certain place for you. So important thing over here is. Have your objective clear. आप उन सबके साथ खाने क्यों जा रहे हो क्योंकि आपको खाना खाना है या क्योंकि आपको उनके साथ टाइम स्पेंड करना है So your objective is maintaining, making strong bond, strengthening your bond, having good time with them, right? So what is the objective here? Maintaining your social health. तो आप अपने social bond को relation को और strong कर रहे हो उनके साथ time enjoy करने जा रहे हो time spend करने जा रहे हो तो फिर क्या matter करते हैं आप क्या खा रहे हो नहीं मैटर करता ना सो अवॉइड मेकिंग फेसेस क्योंकि अगर आप फेसेस बनाओगे सोचो कोई आपके सामने फेसेस बना रहा है आपको अच्छा नहीं लगता ना देख के तो उनको भी कैसा लगेगा कैसे बच्चे है ना सो रिमेम्बर व्हाई यू आर गोइंग आउट टू स्पेंड टाइम विद योर फैमिली विद योर पेरेंट्स एंड यू आर गोइंग आउट टू एंजॉय एंड क्रिएट मेमोरीज सो फूड डज नॉट मैटर देयर ओके व्हाट मैटर्स इज हाउ यू कनेक्ट विद ईच अदर ओके So let's quickly brush through a few points. First one, we have already discussed not making faces. All right, so, another important thing. कभी आपसे वेटर अगर पूछता है कि खाना कैसा है और खाना ठीक है बहुत यम्मी नहीं है You still say, sir, it's good. Thank you for asking. Now, why do we say that? We say that because if you say, sir, it's good, how will the waiter react? He'll smile, right? तो अगर वो स्माइल करेगा उसको देख के आपको भी तो हल्की सी स्माइल आएगी ना सो व्हाट इट मींस इज इफ यू स्प्रेड हैप्पीनेस यू गेट हैप्पीनेस बैक सो इफ यू अप्रिशिएट समबडी द अदर पर्सन फील्स हैप्पी यू आल्सो फील हैप्पी ओके सो दैट्स द रीजन हियर टू ब्रिंग स्माइल ऑन समबडीज फेस देन अनदर इंपॉर्टेंट थिंग हम रेस्टोरेंट में कभी कभी भूल जाते हैं और हम चेयर को बैक एंड फोर्थ ऐसे रॉक एंड रोल करना शुरू कर देते हैं व्हाइल वी आर वेटिंग फॉर फूड राइट या फिर जब घर के बाकी लोग खा रहे होते हैं जब तक हमारा फिनिश हो चुका है सो डोंट डू दैट बिकॉज इफ योर चेयर स्लिप्स डाउन यू विल फॉल डाउन एंड इट विल क्रिएट अननेसेसरी सीन देयर सो अवॉइड बिहेविंग इन दैट वे अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इफ आई कॉल यू बाय योर नेम यू फील हैप्पी राइट अगर मैं कहूँ अरे सुनो आपको अच्छा नहीं लगेगा ना सेम इज द केस फॉर द वेटर्स सो व्हेन यू टॉक टू द वेटर कॉल देम बाय देयर नेम आपने देखा होगा उनके राइट साइड पर हमेशा एक नेम टैग होता है उनका राइट सो यू कैन रेफर टू देम बाय देयर नेम्स बाय सेइंग सर आगे ओके और मैम हूएवर इज सर्विंग ऑलराइट सो बिकॉज वी ऑल लाइक टू लिसन टू आवर नेम सो दे विल आल्सो फील हैप्पी व्हेन यू विल से देयर नेम एंड अपार्ट फ्रॉम बीइंग हैप्पी वी आर आल्सो रिस्पेक्टिंग देम बाय सेइंग दैट हे हेलो इट्स नॉट रिस्पेक्टफुल ओके एंड One more thing you all remember, कि spoons हम liquid food के लिए use करते हैं और fork हम solid के लिए. So rice, pasta, noodles, brownies, fruit salad, we use fork for it.
And another important thing which everyone had shared here, that take only that much amount of food which you can finish. क्योंकि अब आप बड़े हो गए हो, आपको पता है आपको कितनी भूख है, थोड़ा सा कम ले लो, आप दोबारा बाद में ले सकते हो. बट अगर आप पहले ही ज्यादा ले लोगे और आपको नहीं खाना था उतना, तो फूड विल डेफिनेटली गेट वेस्टेड. सो इट डजंट शो दैट यू आर मैच्योरिंग, इट डजंट शो यू आर स्मार्टर. ओके, नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, लेट्स मूव फर्दर. Okay. I got a direct message. So this person, I am not naming you right now, but please stop sending direct messages like that, which are not relevant to the class. Okay. Now another important thing here. आप सब शादी वगैरह पे गए होंगे, है ना? अभी रिंग सेरेमनी पे भी काफी लोग गए थे आपकी क्लास के. आपने देखा होगा कि ऐसे जब बड़े ओकेजन होते हैं तब हम बहुत सारे तरीके का खाना होता है वहाँ, है ना? इतने सारे तरीके के स्वीट डिश होते हैं, इतने सारे वेजिटेबल्स होते हैं, दाल होती है, एंड देन वी हैव वराइटीज इन ब्रेड्स ऑल्सो, देन वी हैव पास्ता ऑल्सो, देन वी हैव डिफरेंट काउंटर्स फॉर पिज्जा एंड ऑल ऑल्सो, राइट? सो मेनी मेनी थिंग्स आर देयर. आपको लगता है कि वहाँ जितने लोग हैं वो सब कुछ खा लेते होंगे, सब फिनिश हो जाता होगा? अगर हो जाता है then show me a thumbs up. और अगर आपको लगता है नहीं होता finish, बच जाता है खाना, then show me a thumbs down. Okay, Rushda, give me a thumbs down. Zainab gives a cross. Divakar, I'm sorry, I could not understand what you are showing to me. Okay, you think it gets over. Okay, Priyanshi says no. Naved thinks ki wo over ho jata hai. Keshav says no. Arif says yes, it gets finished. Mohammed Shoheb says it gets finished. Okay. अगर वो finish हो जाता होगा तो आपने कभी देखा है लोगों को प्लेट में जो खाना डालते हैं वो डस्टबिन में थ्रो कर रहे होते हैं, या फिर वो जो आपका यूटेंसिल कंटेनर है, ट्रैश कंटेनर, उसी में ही रख देते हैं प्लेट विद द फूड? कभी देखा है आपने? शो मी अ थम्स अप अगर आपने देखा है लोगों को ट्रैश बिन में फूड थ्रो करते हुए, या प्लेट विद फूड कीपिंग इन द ट्रैश, अगेन इन द यूटेंसिल ट्रैश. यस, सो विच मीन्स कि वो फूड तो फिनिश नहीं हुआ. फिर क्या हुआ फूड को? व्हाट हैव वी डन टू द फूड? एनीवन हु वुड लाइक टू गेस? यातिका, प्लीज अनम्यूट. यस मैम. या फिर क्या हुआ फूड को? हम क्या कर रहे हैं फूड को, जब हम फूड को ट्रैश में थ्रो करते हैं, हम क्या कर रहे हैं फूड को? मैम हम फूड को मैम खराब कर रहे हैं. खराब कर रहे हैं या वेस्ट कर रहे हैं? मैम वेस्ट. राइट, हम फूड को वेस्ट कर रहे हैं. तो अभी हम थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करेंगे और देखेंगे कि हम क्या ऐसा करते हैं जिससे फूड वेस्टेज बढ़ जाती है, और क्या ऐसा करते हैं जिससे हम फूड वेस्टेज डिक्रीज कर सकते हैं. राइट, नाउ फॉर एग्जांपल अगर ये मैरिज की बात लें, तो अगर हम इतना सारा खाना रखने की बजाय सिलेक्टेड चीजें रखें जो जनरली लोग खाते हैं, तो आपको लगता है फूड वेस्टेज डिक्रीज हो सकती है? नहीं कम होगी. अगर मैं बहुत सारे तरीके के पिज्जाज रखकर 2-3 तरीके के ही रखूं जो मुझे पता है लोग खाते हैं ज्यादा, right? Yes. So Rushda says yes, definitely. So that is one way of decreasing. Now similarly think ki hum kya karte hain jis wajah se food ki wastage zyada ho jati hai ya kam. Uske liye aap ek sheet la sakte ho. I'll share the screen ki aap kaise likh sakte ho use. Okay, is the screen visible to all of us? Right. So can you see center में मैंने food wastage लिखा है एक box में. उस box के left side पर एक big box है और right side पे एक big box है. तो left side वाले में मैं लिख रही हूँ कि मैं क्या ऐसा कर रही हूँ जिसकी वजह से food wastage बढ़ रही है, और मैं left side पे right side पे लिख रही हूँ कि मैं क्या ऐसा कर सकती हूँ जिससे मैं food wastage decrease करूँ.
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने प्लेट में ज्यादा खाना ले रही हूँ रिक्वायरमेंट से तो मैं फूड वेस्टेज बढ़ा रही हूँ, राइट? सिमिलरली अगर मैं अपने प्लेट में उतना ही खाना ले रही हूँ जितना मुझे चाहिए, सो आई एम टेकिंग ओनली रिक्वायर्ड अमाउंट, तो मैं डिक्रीज कर रही हूँ फूड वेस्टेज. ओके, सो सिमिलरली आप और क्या कर सकते हो, सो थिंक एंड लेट मी नो. So let me know. Okay, Priyanshi. Yes, ma'am. Yeah, so tell me some behavior for food wastage. मैम हमें जो फूड वेस्ट कर रहा है उन्होंने ज्यादा ऑर्डर करा है और वो कचरे में डाल रहा है तो हमें उन्हें समझाना चाहिए कि हमें उन्हें वेस्ट नहीं करना चाहिए. नहीं, हम ज्यादा भी ऑर्डर नहीं करना चाहिए. दूसरों की बात नहीं कर रहे, हम अभी अपनी बात कर रहे हैं, ठीक है? तो yes, ma'am. इसे ये बोल सकती है कि हमें उतना ही ऑर्डर करना चाहिए जितना हमें खाना है. हमें खाना है. Yes, ma'am. ठीक है, तो उसे हम फूड वेस्टेज डिक्रीज करेंगे, राइट? मैम हमें कम ऑर्डर करना चाहिए, इतना ज्यादा भी ऑर्डर नहीं करना चाहिए. वेरी ट्रू. सो वी शुड ऑर्डर दैट मच ओनली व्हिच वी व्हाट वी कैन कंज्यूम. सो उससे हम क्या कर रहे हैं, फूड वेस्टेज डिक्रीज कर रहे हैं. वेरी ट्रू. यस यस मैम. क्या शेयर? यस मैम, हम जब भी कोई शादी में जाते हैं हमको उतना ही फूड लेना चाहिए जितना हम खा सके, क्योंकि और फूड वेस्टेड ना जाए. राइट. और अगर और कोई मैम फूड वेस्टेज करता है तो उसको हमको समझाना चाहिए कि आप फूड वेस्टेज मत करिए. ऑलराइट. और सोचो खाना और क्या हो सकता है, खराब भी तो होता है ना खाना. कैसे खराब हो जाता है? खराब होगा तब भी वेस्ट होगा, तब भी इंक्रीज हो जाएगा फूड वेस्टेज. और हम कैसे उसे खराब होने से रोक सकते हैं, तो हम फूड वेस्टेज डिक्रीज कर रहे हैं. सोचो. एनीवन? ओके केशव. यस मैम. क्या मैम, हमें उतना ही लेना चाहिए जितना हम खा सके, हमें कभी ज्यादा नहीं लेना चाहिए. दैट्स रिपीटेड बेटा, टॉक अबाउट समथिंग डिफरेंट नाउ. अगर हर कोई एक ही बात बोलेगा तो हम डिफरेंटली नहीं सोच रहे. अब और सोचो, मैंने आपको कहा ना कि कैसे हम खाने को खराब होने से बचा सकते हैं. अब वो सोचो कि खाना खराब कैसे होता है. मैम कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं, पहले रोटी और जितने भी वेजिटेबल्स होती हैं सब एक साथ ले लेते हैं, एंड देन खाते थोड़ा सा ही है और सारी सब्जियां वेस्ट जाती हैं. और जब मैं सगाई में गया था मैंने ये देखा था. तो इसको हम डिक्रीज ऐसे कर सकते हैं, जितना हमें चाहिए पहले तो हम कम ले लें, और अगर हमें और भूख हो तो हम उतना ही लें जितना हमें लेना है, और ज्यादा ना ले. ऑलराइट. एंड व्हाट अबाउट पीपल, आपने देखा होगा कि मिल्क एंड वेजिटेबल्स फ्रूट्स कहाँ रखती है आपकी मम्मा? हैज एनीवन ऑब्जर्व्ड इट? प्रीतिका. मैम वेजिटेबल्स को मेरी मम्मी फ्रिज में रखती हैं, और जो फ्रूट्स होते हैं जैसे एप्पल बनाना, तो इन सबको एक बकेट में रख देती हैं, जैसे मतलब टोकरी. ऑलराइट. और बाकी जो फ्रूट्स होंगे जैसे कीवी एंड ऑल? मैम कीवी तो हमारे घर में नहीं आया कभी. ओके, दैट हैज़न्ट कम. ऑलराइट. सो प्रीतिका सेज कि वेजिटेबल्स वी कीप इन द फ्रिज, राइट? और फ्रूट्स जो खाने होते हैं वो बाहर होते हैं इन द बास्केट. Now, even if you see milk भी मामा after boiling, जब वो cool down हो जाता है तो फ्रिज में रखती है. अब सोचो वो बाहर क्यों नहीं रहते? अगर बाहर होगा तो क्या होगा, खराब हो जाएंगे, spoil हो जाएंगे. तो क्या हमने food wastage नहीं बढ़ा दी अगर हमने ठीक से store नहीं किया तो? So can I say कि हम किस तरीके से food को store कर रहे हैं उससे भी हम food wastage का ध्यान रख सकते हैं. For example, अगर मैंने fruits को, vegetables को, milk
को या मिल्क प्रोडक्ट्स को फ्रिज में नहीं रखा तो वो खराब हो जाएंगी, तो फूड वेस्टेज बढ़ गई। और अगर मैंने उन्हें फ्रिज में रखा और टाइम से कंज्यूम कर लिया राइट, तो वो खराब नहीं हुई तो फूड वेस्टेज डिक्रीज हो गई। सिमिलरली लेट्स से आपके घर में बिस्किट का पैकेट थे 1-2, बट पापा अभी और ले आए बिकॉज आपके घर में फॉर 1 वीक लेट्स से 5 पैकेट होते हैं, पर अभी 2 ही बचे हैं, तो वो 3 पैकेट्स और ले आए। तो हमें पहले कौन सा पैकेट खाना चाहिए? हमें पहले जो 2 पैकेट्स पड़े हैं वो खाने चाहिए या जो पापा या मम्मा न्यू पैकेट्स लाए हैं वो खाने चाहिए? थिंक एंड लेट मी नो। मोहम्मद शाहान प्लीज अनम्यूट। यस मैम। क्या खाना चाहिए बताइए, हमें कौन सा पैकेट पहले खाना चाहिए, जो हमारे पास अभी पड़ा है वो या जो न्यू पैकेट आया है? जो हमारे पास पहले पड़ा हो। राइट, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि अगर नया पैकेट खाएंगे तो फिर वो पुराना पैकेट वो वेस्ट हो जाएगा। वो वेस्ट हो जाएगा क्योंकि वो एक्सपायर हो सकता है। राइट, यस मैम। राइट, तो हम सबने वर्ड सुना होगा अपने घर पर कभी कि एक्सपायर हो गया, सो इसलिए हम फूड को एक्सपायर होने से कैसे बचा सकते हैं? बाय कंज्यूमिंग द ओल्ड पैकेट फर्स्ट। राइट, बिकॉज जो ओल्ड पैकेट होगा वो पहले एक्सपायर होगा ना न्यू से। एंड सेकेंडली, जब आप मार्केट से भी प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं ऑलवेज चेक द एक्सपायरी ऑफ द प्रोडक्ट, कि कहीं आप ऑलरेडी एक्सपायर्ड प्रोडक्ट तो नहीं ला रहे हैं। राइट, एंड एनीथिंग एल्स एनीवन कैन थिंक ऑफ, और कैसे हम फूड वेस्टेज कम कर सकते हैं या क्या हम ऐसा कर रहे हैं जो फूड वेस्टेज बढ़ा दे? एनीवन हु वुड लाइक टू गेस फर्दर? ओके यश। यस मैम। वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? मैम क्या आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैम नो। ओके, प्लीज लोअर योर हैंड देन। ओके, कुमकुम। यस मैम। या व्हाट वुड यू लाइक टू ऐड ऑन? मैम योर वॉइस इज नॉट क्लियर। व्हाट वुड यू लाइक टू ऐड ऑन डियर फॉर दिस, कि कैसे हम फूड वेस्टेज बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं? कुछ आप ऐड करना चाहेंगे? मैम हम खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए, उस वजह से हमारा फूड खराब हो जाता है। ओके, बेटे खराब सिर्फ वेस्ट करने से नहीं होता, अगर हम उसे प्रॉपरली स्टोर नहीं करें, ठीक से नहीं रखें तब भी हो जाता है, ये टाइमली कंज्यूम नहीं करें तो भी हो जाता है। ठीक है? यस मैम। सो पीपल, ओके, प्रीतिका वांट्स टू ऐड समथिंग। यस प्रीतिका, आफ्टर प्रीतिका अनिल मेहंदी आई विल गिव यू द चांस। ओके प्रीतिका। मैम हम इसके बारे में ही बताना चाहते हैं। हाँ जी मैम, जैसे हम ज्यादा कुछ वेजिटेबल, जैसे हमने कुछ भी ले ली वेजिटेबल बहुत ज्यादा क्वांटिटी में और वो रखे रखे ऐसे खराब हो जाती है, फिर वो भी वेस्ट ही होती है। वेरी ट्रू, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस पॉइंट। तो इवन आप अगर फ्रूट्स वेजिटेबल्स या मिल्क भी ला रहे हैं तो उतना ही लाइए रॉ मटेरियल भी जितना आपको जरूरत है, बिकॉज अगर आप ज्यादा लाएंगे वो भी रखे रखे खराब हो जाता है। यस मैम, वेरी ट्रू, सो ट्रू। एंड अली वॉन्टेड टू शेयर अ पॉइंट, वेयर इज अली? यस अली। मैम जब हम फ्रूट लाते हैं या वेजिटेबल लाते हैं तो हमें फ्रूट या वेजिटेबल को या तो आज ही खा लेना चाहिए या फिर 1 या 2 डेज में खत्म कर लेनी चाहिए। राइट, तो कैन आई से अली कि मुझे फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हर 2-3 डेज बाद लाने चाहिए बाकी, और उतने ही लाने चाहिए जितने मुझे चाहिए फॉर 2-3 डेज? ओके फाइन। राइट, सो पीपल टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द फूड वेस्टेज।
सो नाउ आई थिंक यू ऑल आर स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड कि सिर्फ खाना ज्यादा और कम लेने से ही फूड वेस्टेज नहीं होता, हम कैसे फूड को ओवरऑल रॉ मटेरियल तक को हैंडल कर रहे हैं या स्टोर कर रहे हैं या यूटिलाइज कर रहे हैं उस पर भी फूड वेस्टेज डिपेंड करता है, राइट। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज लेट्स से अगर आपके पास फूड है यू कैन ऑलवेज शेयर इट आउट विद पीपल अराउंड यू, राइट। हम पुअर लोगों को भी दे सकते हैं तो भी हम फूड वेस्टेज को डिक्रीज कर रहे हैं, ओके। सो इवन इन द सेम वे जैसे वेडिंग वगैरह पे खाना बच जाता है तो इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग इट अगर हम सब कॉशियसली उतना ही ले जितना चाहिए तो ऑफकोर्स द रेस्टोरेंट पर्सन कैन फीड इट टू द पुअर पीपल, राइट। बट डस्टबिन से तो कोई नहीं दे सकता ना, सो येस वी कैन बी कॉशियस अबाउट दैट ऑल्सो। सो इवन शेयरिंग दैट फूड डिक्रीजेस द फूड वेस्टेज, सो यू कैन ऑलवेज फीड पीपल अराउंड यू, ओके। Right. So with this, we end with today's session. Have a wonderful day and enjoy your day. Bye-bye, people. Bye.